आइए दोस्तों, आज हम आपको कली वाली कुर्ती की कटिंग बताएंगे। और उसके लिए हमने ये कपड़ा लिया है, 3.25 मीटर कपड़ा है, बढ़िया रच का। और ये हमारे पास नाप है, 50 इंच लंबाई है, ये हाफ नाप है, 22 इंच चेस्ट है, 20 इंच कमर है, हिप का नाप इसमें नहीं होता है, 17 इंच बाजू है, 11 इंच मोरी है, 5 इंच बैक गला है और 6 इंच फ्रंट गला है, 15 इंच तीरा है। तो इस नाप को हम रखते हैं इस तरीके से सामने, और ये देखिए किस तरीके से हम इसकी कटिंग करेंगे। इसको आप सीखने के लिए वीडियो को एंड तक देखें आप। ये देखिए, ये हमने इस पे प्रेस लगा रखी थी इस तरीके से। तो ये हमने डबल करके ये कपड़ा हमने लिया है ऐसे, और इसको हम इस तरीके से ये देखिए बिछा लिया हमने। क्योंकि ये लॉन्ग कुर्तियाँ जो होती हैं, इनके लिए जगह ज़्यादा चाहिए होती है, तो काउंटर पे कम आ जाती है, इसलिए काउंटर पे थोड़ी दिक्कत होती है इसको काटने में। आप नीचे भी बैठ के आराम से काट सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से इसको ये मिला के, और प्रेस गर्म है ये हमारी हल्की, इसको हम ऐसे करके सेंटर बना लेंगे। ये देखिए सेंटर बनाने के बाद में ये देखिए ये लंबाई हमारी है। ये देखिए ये यहाँ पे 51 इंच है, 1 इंच हम इसमें 2 इंच मार्जिन ले लेते हैं, ये 52 इंच है। ये देखिए यहाँ पे, और ये इस तरीके से हम यहाँ पे ये 52 इंच का ये निशान लगा लेंगे। वो जो हमने नाप लिया था वो सूट से लिया था, तो उसका 7.25 पे मुड्डा था, क्योंकि उसका तीरा जो है बड़ा कटा हुआ था, रेडीमेड था। तो हम इसको 7.25 से ही काटेंगे, क्योंकि गला भी डीप कम है, और 14.5 इंच पे इसकी कमर थी, तो 15 इंच पे हम ये निशान लगा लेंगे इस तरीके से। और ये तीनों निशान हम इस तरीके से देखिए ये सीधे करेंगे। ये देखिए क्योंकि 5 इंच गला है बैक से, तो हम इसका तीरा ज़्यादा छोटा नहीं काट सकते, क्योंकि सूट का हमने जो हमारे पास सूट का ही नाप था उसका हमने 15 इंच नापा है। तो हम इसका, क्योंकि हमें लग रहा है कि वो ज़्यादा है, तो हम फिर भी इसको 14 इंच के करीब हम तीरा काटेंगे ही, क्योंकि 15 तो उनका था ही। और ये 3 इंच इसका ब्रॉड इस तरीके से। और यहाँ पे हम जो तख्ती का जो ये निशान है, ये 12 12.5 इंच पे इस तरीके से निशान लगाएंगे। और लगाने के बाद में 22 इंच है, तो 22 इंच का आधा जो हो गया 11 इंच, ये चेस्ट का निशान हो गया देखिए। और 20 इंच कमर है, तो 20 इंच कमर का निशान, तो इसका आधा निशान जो हो गया वो 10 इंच हो गया, ये देखिए इस तरीके से। और ये जो सेफ पट्टी है, यहाँ पे हम सेफ पट्टी से ऐसे ये निशान लगाएंगे। और ये वाला जो निशान है देखिए, इस तरीके से थोड़ा सा डाउन आएगा, ये देखिए इस तरीके से, क्योंकि ये 7 इंच है और ये 7.25 इंच है, इसलिए ये डाउन आएगा ही आएगा। और इसको इस तरीके से ये देखिए ये गोलाई करेंगे। और गोलाई करने के बाद में ये देखिए, ये ए शेप की कुर्ती भी इस तरीके से ही कटती है, वो छोटा अर्ज होता है, ये इसका अर्ज ज़्यादा है। और इसको मैं कली भी किस तरीके से डालूंगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, ये इस तरीके से हम ये निशान लगाएंगे, ये देखिए इस तरीके से। और ये निशान लगा के ये वाला निशान हम ऐसे करके देखिए ये मिला लेंगे कमर पे, और यहाँ पे हम ये गोलाई दे देंगे। ये देखिए ये वाला इस तरीके से ये निशान लगा के, और इसकी हमें अभी गुलाई करनी है। तो गुलाई करने के लिए देखिए यहाँ पे हम इंची टेप रखेंगे, तो ये देखिए ये यहाँ से ऐसे करके पकड़ना है इंची टेप को, और ये 52 इंच ऐसे करके निशान लगा लेना है। ये मैंने हल्का हल्का ये लगा ही लिया है। और इसको इसी तरीके से देखिए, ये यहीं पर, ये यहाँ पर बराबर होना चाहिए इंची टेप, यहाँ से ऊपर नीचे हो गया तो ये आपका कम्बर्ड हो जाएगा। और ये 52 इंच का ये निशान है, ये देखिए ये मैंने हल्का हल्का लगा ही दिया है। अब इसको मैं गाढ़ा कर देता हूँ इस तरीके से,
ताकि आपको अच्छी तरीके से इसका ये नज़र आ जाए कि मैंने किस तरीके से ये निशान लगाया है। ये निशान इसीलिए लगाया है क्योंकि अगर इसकी ये गुलाई आप नहीं देंगे, ये देखिए ये आप क्लियर नज़र आता होगा, तो अगर ये आप ये गुलाई नहीं करेंगे तो ये कोना जो है इसका गिरेगा, क्योंकि हम कली वाला कुर्ता बना रहे हैं। इसमें कली किस तरीके से डालेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। अगर हाँ ये हम ए शेप का बनाते इसको और ये कली वाला नहीं बनाते और छोटी अर्ज में बनाते तो हम इसको ये सीधा रखते, तो क्योंकि उसमें ये डिजाइन होता है कि कोना गिरता है। तो ये देखिए इस तरीके से ये हम निशान लगाने के बाद में इसकी हम यहाँ से देखिए पहले ये हम कटिंग करेंगे एक पल्ला इस तरीके से और इसको आधा इंच ये डाउन कर लेंगे। चाहे तो ये निशान आप आधा इंच का पहले से लगा सकते हैं डाउन करके, मैंने नहीं लगाया, मैंने ऐसे करके काट दिया क्योंकि हम लोग दिन रात कटिंग करते रहते हैं तो हम लोगों को इतना अंदाज़ा हो जाता है। आप लोग अगर आप काट सकते हो तो काट लो, अगर नहीं काट सकते हो तो निशान लगा सकते हैं आप। और देखिए ये फ्रेंड को इस तरीके से ये काटेंगे और यहाँ पे जो मार्जिन रखना होता है मार्जिन का भी इस तरीके से। अब ये बैक का निशान जो है इतना काट लिया, अब बैक का निशान भी आप ये इस तरीके से लगा लें एक इंच एक्स्ट्रा करके और ये गुलाई कर दें, क्योंकि इसमें ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं करना है क्योंकि इसका तीरा बड़ा है। ये देखिए ये इस तरीके से ये बैग भी कट गई हमारी। अब हम जितना मार्जिन इसमें रखना चाहते हैं उसी मार्जिन को लेके देखिए इस तरीके से ये डेढ़ इंच का ये मार्जिन ऐसे करके हम इसको काटेंगे। ये देखिए ये काटने के बाद में ये जो गुलाई है इसको भी हम इस तरीके से देखिए काउंटर में जगह कम है तो ये काटने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। ये देखिए इस तरीके से ये गुलाई कर लेंगे। देखिए अब मैं इसको हटा देता हूँ और ये जो कपड़ा है इसको भी देखिए मैं ये हटा देता हूँ। ये देखिए ये कटने के बाद में इसको कुछ इस तरीके से आएगा। अब हमें कली डालनी है तो हम इसको ऊपर ऐसे करके खींच देंगे, क्योंकि कली हमें जो डालनी है वो सिर्फ चोली से नीचे नीचे डालनी है, तो चोली का पीस जो है इसको आप ऊपर भी ऐसे खिसका देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसका घेरा कितना आ रहा है, पहले मैं ये दिखा दूँ फिर इसमें कली कितनी डालेंगे। देखिए 28 इंच है तो 28 दूनी 56 इंच हो जाता है एक साइड से, तो 100 इंच से ऊपर हो गया। अब ये देखिए ये जो कमर है इस तरीके से आप ये निशान लगा लें, जैसे 10 इंच आ रहा है तो 10 इंच का आप इसके जो 20 सेंटर बनाएंगे तो 3.75 इंच के करीब ये लगा लेंगे हम यहाँ से। ये देखिए 3.75 इंच का 6.5 इंच हो गया और ये 6.75 के करीब हो गया। तो हम इस तरीके से एक आध सूत और निशानी ऐसे करके लगा लेंगे और यहाँ पे जो है इसी हिसाब से ही ये हम 9 इंच का ये निशान लगा लेंगे इस तरीके से। और ये जो 3.75 इंच और एक सूत का लगाया था इसको हम ये 9 इंच वाले पे ऐसे करके ये देखिए यहाँ से निशान लगाएंगे। ये आप इसको और बढ़ा सकते हैं अगर बढ़ाना चाहें, और कम करना चाहें तो कम भी कर लें। ये देखिए ये जैसे 9 इंच हो गया और ये दबने के बाद में ये इधर 9 इंच हो जाएगा, तो 9 × 18 ये हो गया और 9 × 18 ये हो गया, तो 18 का ये पल्ला आ जाएगा, 18 का आपका ये पल्ला आ जाएगा। तो इसको हम यहाँ से देखिए इसके बीच में से ऐसे करके ये काट देते हैं इस तरीके से। यहाँ से काटेंगे ये और ये 1 इंच नीचे काटेंगे ऐसे करके, जो हमारी ये इसकी निशान आ रहा है कमर का। और ये देखिए इसको कली को हम इस तरीके से करेंगे और ये वाला यहाँ पे करेंगे। अब इसमें हम ये जो हमारी साइड से जो कपड़ा ये बचा था ये हमारा किसी काम का वैसे है नहीं, तो हम इसमें से ही 4 कलियाँ निकालेंगे। देखिए ये इस तरीके से ये पकड़ेंगे इनको
ये थोड़ी सी यहाँ से जो है इसकी चौड़ाई कम होगी। ये ज़्यादा घेरा करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो कपड़ा है हमारा बेकार चला जाता है। देखिए इस तरीके से हम इसको निकाल लेंगे 1 इंच, ये देखिए, और इसको ऐसे करके हम ये देखिए ये गुलाई करेंगे, ये देखिए ये कर लिया हमने गुलाई। गुलाई करने के बाद में हमारा ये है कपड़ा, ये देखिए ये सारी कलियां बराबर करके इस तरीके से जो छोटी बड़ी हैं इनको इस तरीके से बराबर कर लेंगे। ये नीचे वाली ज़्यादा छोटी आ रही है, इधर से है, ये देखिए इसको ऐसे करके उठा लें, और ये देखिए ये बराबर आ गई। बराबर आने के बाद में ये जो कोना है इस कोने से जो ये एक्स्ट्रा जो आ रहा है ये इसको सब ऐसे निशान लगा के ये काट देंगे। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से ये कट जाएगा, और ये इसके बीच में ऐसे करके यहाँ पे सेट हो जाएगा। तो ये देखिए फिर इसका घेरा कितना आ जाएगा, ये घेरा आपका आ जाएगा 1 सेट से 40 इंच के करीब तैयार हो जाएगा। ये 39.5 इंच, तो 39.5 इंच के हिसाब से ये 4 पल्ले हैं, तो 4 मीटर का घेरा आपका इस तरीके से तैयार हो जाएगा, ये देखिए। और जैसे नॉर्मल बाजू काटते हैं मैं उस तरीके से बाजू काट लूँगा। और वीडियो आपको कैसी लगी लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी और आप लोग क्या चाहते हैं जो हम आपको सिखाएं, तो उसमें कमेंट में आप लिखें ताकि हम आपके कमेंट पढ़ के और उस पर कुछ काम करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।